आने जा रहे हैं। गेस टावर टेबल क्या है, होता है कि गेस टावर टेबल में टावर्सिंग का जितना भी रिजल्ट है सब एक टेबुलर फॉर्म में समराइज करते हैं, तो गेस टावर टेबल बोलते हैं। माने कोई टावर्स हमने प्लॉट टावर्स हमने कंप्लीट किया ग्राउंड में, ग्राउंड डाटा लिया हमने, फील्ड डाटा लिया, फील्ड डाटा के अनुसार हमने प्लॉट किया ए बी सी डी ए डैश, इसको प्लॉट किया टावर्स को, तो ये टावर्स जो है उसमें क्लोजिंग एरर आ गया, दोनों एंड पॉइंट आपस में कॉइंसाइड नहीं किया है ना, जो ए है क्लोजिंग एरर आ गया। तो एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंगल डी सबको मेजर किया हमने फील्ड में, सबको सम अप किया, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, इसको 2n-4 90 डिग्री आना चाहिए, 360 डिग्री आना चाहिए। तो मान सपोज 360 डिग्री 40 मिनट आ गया, कितना एरर आया प्लस 40 मिनट का, टोटल एरर इन एंगल्स 40 मिनट है और चार एंगल है, चार से डिवाइड कर देंगे 4 × 40 यानी कि 10 मिनट्स का ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा एंगल में, 10 मिनट हम डिडक्ट कर देंगे, अधिक आया था प्लस 40 मिनट आया था एरर, तो इसको हम माइनस टेन मिनट करेंगे, नेट सम 360 डिग्री आ जाएगा, यानी कि एंगुलर एरर रिमूव हो गया, एंगुलर एरर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। दूसरा होता है कि क्लोजिंग एरर, क्लोजिंग एरर में क्या होता है कि लैटिट्यूड्स एंड डिपार्चर्स, हम बताए थे लैटिट्यूड्स एंड डिपार्चर्स क्या होता है किसी भी लाइन का,